कोई दंगा नहीं है। हम अपने कल जब हो चुका है, अभी यह संवेदनशील इलाका है, ऐसे में यहाँ पर फिर से इकट्ठा होकर मस्जिद के बाहर नारा लगाना कितना जायज है? नहीं, ये क्या हम मरने के लिए तैयार रहे? ये दोबारा फिर करें? क्या हम अपने लोगों को संदेश भी ना पहुंचाएं? ऐसा हुआ है, इन लोगों की करतूत तो बतानी होगी पूरे देश को, जिसको हम 70 साल से ये कहते रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्या कभी आपने इनके मुँह से सुना कि हिंदू मुस्लिम भाई? हमेशा हम कहते रहे 70 साल तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अधिकारी भी जो है आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूरा ये मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो सबकी रक्षा करते हैं, वो कानून जितना कानून का यूज कर सकते हैं वो कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और मैं उन सब लोगों का, सब पुलिस कर्मियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नारेबाजी करना कितना, क्या नारेबाजी कर रहे हैं बताइए? नहीं, क्या नारेबाजी कर रहे हैं? क्यों ना करें जय श्री राम? आप बताइए क्यों ना करें सरीजा? ये क्यों ना करें जय श्री राम? हम पत्थर खाते रहे और जय श्री राम भी ना बोले? कुछ भी है, बिल्कुल सब कुछ जायज है। ये सनातनियों का देश है और हम जहाँ चाहेंगे वहीं नारे लगाएंगे। बोलिए जय श्री राम।